पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनटीए ने अपना जवाब दाखिल किया है। तो नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। तो आपको बता दें कि देशभर में अभ्यर्थियों की तरफ से नाराजगी को व्यक्त किया जा रहा है, जांच की मांग उठाई जा रही है। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश वो दोबारा से परीक्षा में बैठ सकते हैं। और अपना जो है ग्रेस मार्क्स वाली जो समस्या बार बार आ रही थी कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है क्योंकि उनको समय पर पेपर नहीं मिल पाया था, वो कम से कम उसको दूर करने का प्रयास एनटीए कर रहा है। तो बता दें सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब यहां पर मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक नहीं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नीट पर न्याय दीजिए माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट से बंधी हजारों अभ्यर्थियों की आस। और उस बीच सुप्रीम कोर्ट का ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनका पैमाना क्या है, कितनी देर के लिए, कितने देर पेपर जो है सेंटर में पहुंचने पर देरी हुई, अभी ये बात कम से कम क्लियर हो गई है उन छात्रों के लिए कि 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और अभी जो बाकी पहलू हैं उसके अगर उसकी जांच होती है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा गया है कि एक ही सेंटर से 6-6 टॉपर्स आ जाते हैं, 67 जो है नंबर में वो टॉपर्स होते हैं। वो ये सब सवाल जो है जिनके जिसमें 720 नंबर आना लगभग छात्रों का ये कहना है कि असंभव है कि इतने सारे छात्रों के एक साथ आ जाएं। वो नंबर आए हैं 719, 718 इस तरीके के नंबर आए हैं, कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई चली गई है। यही वजह है कि छात्रों का विरोध है, जंतर मंतर से लेकर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देश के राज्यों में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब जो आगे इस पूरे मामले की जांच कैसे होती है, क्योंकि ये भी कहा गया है याचिका में कि पेपर लीक की जांच भी होनी चाहिए, अब उस पर क्या होता है ये देखना बहुत ज्यादा अहम है। तो देखिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए फिर दोहराया है कि नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो ये आपको बड़ी जानकारी। तो बता दें कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को देना होगा फिर एग्जाम, आप देना होगा एनटीए को। और जो चुनाव की पवित्रता है उसको बनाए रखना है, यानी कि आप समझिए एक याचिका तो अलग से लगी है, जब एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ही लगा दी गई थी, अब ये तीन याचिकाएं रिजल्ट आने के बाद लगाई गई हैं। तो इन चारों याचिकाओं को 8 जुलाई को अब सुना जाना है, एनटीए का जवाब भी उस दौरान आ जाएगा और फिर ही पता लग पाएगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। तो नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर सुनाया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी। तो आपको बता दें कि नीट पेपर लीक के अलावा स्पेशल एग्जाम सेंटर चुनने का दावा भी यहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से है। तो आपको बता दें कि भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के कई कोनों से छात्र राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आपने बता दिया कि दो हफ्ते में जवाब मांगा गया है और 8 जुलाई को उस पर सुनवाई होगी। जो दूसरी याचिका है उसमें यह कहा गया है कि पेपर लीक का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट सुने और उसकी एसआईटी से जांच कराए, इस तरीके की मांग की गई है। तो ये याचिकाओं को लेकर भी जो है वो अभी आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। और जो पिछली याचिका है वो पेपर कंडक्ट होते ही लगा दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि परीक्षा को रद्द किया जाए। तो देखिए छात्रों की कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1563 छात्रों का होगा रीनीट। तो आपको बता दें कि लगातार याचिकाएं दायर कर यहां पर हेरफेरी का आरोप लगाया गया था, एनटीए से भी इस संदर्भ में जवाब मांगा गया। तो 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में एनटीए पर लग रहे आरोपों को लेकर सुनवाई जो है वो हो चुकी है। अब इस पर एनटीए के जवाब पर सबकी निगाह। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया है कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही ये भी कहा है कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो न्याय की आस लगातार जो है वो यहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगाई जा रही है।